अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा सर, आप पीएसटी और इस्लामियत पढ़ाते हैं? पीएसटी पढ़ाता हूँ, इस्लामियात बस अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ तो जानता हूँ इस्लामियात को काफी हद तक। सही है, चले तो पीएसटी आप लोगों सर, में। आप हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती रहेगा सर। वो तो मैं बता दूंगा, कोई इसमें इशू ही नहीं है। ये बताएं आप लोगों को, मतलब होती है, भी होती है पीएसटी की क्लास? नहीं होती सर। नहीं अच्छा, सर, नहीं हो रही है। तो जब भी मैंने आपसे पूछा, अगर तो आप में आपके अगर आपकी चैनल पे पीएचडी हो की तो मैं वहां क्लास से हो तो क्लास आप ले लूँ। लेंगे क्लास पीएचडी की? जी 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 कितने लोग लेंगे, जरा वो अपना यस लिख दें चैट में ताकि मुझे अंदाजा हो जाए आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि भाई दो, रिपीट करें क्वेश्चन क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं पीएचडी की क्लास लेने में तो वो बता दें ताकि उनकी क्लास हम करवा दें, क्योंकि 2 ही महीने होगी अगर सर होगी। ऑलमोस्ट सभी हम तो होंगे। कब से कह रहे हैं, यही लोग टाले जा रहे थे कि अभी कहाँ, अभी कहाँ। नहीं अब तो हो गया ना, अभी यहाँ हो गया कहाँ की जगह, क्योंकि और अब एक दिन हुई भी थी। तो वक्त आ गया है ना पेपर का। सही है, चलें मैनेजमेंट से ही बात की थी, वो तो कह रहे थे कि जनवरी का क्या कह रहे थे वो? हाँ, कह रहे थे जनवरी के बाद देखेंगे, कह रहे थे जनवरी के बाद देखेंगे, अरे अब क्या देखेंगे जनवरी के बाद, मार्च में पेपर है, जनवरी के बाद और हम देखेंगे। पेपर दे के चलाएंगे। मतलब हद होती है यार ये तो। अच्छा और फिर से याद भी करना होगा, समझना भी है, तो फिर टाइम तो लगता है। सही सही, चलें अब लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वहीं से इस वक्त हम कंटिन्यू करेंगे, और लास्ट क्लास में अच्छा मैं आपका ना बात करूंगा पीएसटी की कि भाई 2 महीने का एक अगर बन जाए इनका हिसाब किताब लमसम में, 2 महीने की मैं आपका कोर्स करा दिया जाए, आपको थोड़ा गाइडलाइन दे दी जाए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है ना? खैर ओके, ट्रेड हो गया, डिस्कस द वेरियस डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ फॉरेन ट्रेड, एडवांटेजेस भी हो गया था, ये इसके भी हो गए थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये नहीं पढ़ा था हमने मेरे ख्याल से, चार्ट, राइट अ नोट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड, ये फ्री ट्रेड पढ़ा था ना हमने, राइट? जी सर, मैं कंप्लीट नहीं हुआ था, सर जी कंप्लीट सीडीओ नहीं हुआ था सर, ठीक। तक हुआ था बस हमारा, कहाँ तक? डब्ल्यूटीओ तक? डब्ल्यूटीओ जी। सर ओके, बस ठीक है यहाँ से। गलती से हो गया था। ओके, एडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दूँ, फ्री ट्रेड क्या होता है? फ्री ट्रेड का मतलब ये होता है कि आपको मतलब एक एरिया प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंदर आपको किसी किस्म का टैक्स नहीं देना होगा, एक एरिया आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी जी लाइवा, सब्जी वाले की आवाज आ रही थी, खरीदनी आपको तो बताया, मैं भेजू आपके पास, अभी आइसक्रीम वाला भी गुजर रहा है, बस ये क्या करें हमारे सुबह के टाइम पे, असल में हर जगह एफबी एरिया में तो हर गली से ये लोग गुजर रहे होते हैं। खैर, तो फ्री ट्रेड एक ऐसा एरिया होता है जहां पर अगर आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता। फ्री ट्रेड एक ऐसा एरिया है जहां पर अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी, तो टैक्स नहीं लगता। सही, तो क्यों? क्यों? क्योंकि सेल जिस तरह लगती है ना, सेल भाई वो कम कीमत पर अपना सामान बेचने को तैयार हो जाते हैं, सेल लगा देते हैं। वो सेल क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब उनका सामान बिक नहीं रहा होता तो वो मजबूरन सेल लगाते हैं कि भाई अगर वैसे हमारा सामान नहीं बिक रहा तो चलो हम क्या करें, हम सेल लगा कर देखते हैं, शायद सेल लगाने से हमारा सामान अच्छी कीमत में बिक जाए। तो इसी तरह वो तो कंट्रीज, सर, जितने भी जी लोग सेल लगाते हैं, हाँ, जितने भी लोग तो सेल लगा रहे होते हैं हर चीज कॉस्मेटिक पे या जितने भी प्रोडक्ट पे, तो उनका सामान बिकता नहीं है वो जो जब भी लगाते हैं। जी, और वो नियर टू एक्सपायरी भी होता है और कोई वो डिफेक्टेड होता है, यानी कि सेल सर अब के ऐसा भी नहीं है, ऐसा है ना बेटा, आपकी तो अभी तो आप बच्ची है ना, अभी तो आप फीडर छुट्टी है, अभी आपको क्या पता, बता रहा हूँ ना, आप सर मैं भी करती हूँ क्या करती हैं सर। आप?
मैं भी करती हूँ। क्या करती हैं आप? बिजनेस। क्या बात, ऑनलाइन कॉस्मेटिक सेलिंग। अच्छा ऑनलाइन, ये सर असीम के साथ तो नहीं कर रही तुम? नहीं सर, मैं अकेले कर रही हूँ। क्या बात है, क्या बात, अकेले कर रही हूँ सर। देखिए सेल एक अलग अलग होती है। एक होता है कि भाई उसकी रियल प्राइस पे आप नॉर्मली ये बेचते हैं जी। आप मिसाल के तौर पर सेल का मतलब क्या है मेरा, मैं वो थोड़ा बता दूं। भाई ये मोबाइल है, नॉर्मली ये बिकता है जी 20,000 रुपए का। अब आपने 5,000 रुपए में ये लगा दिया है, यानी कि 75% ऑफ। तो एक नॉर्मल रेट पर आप बेच रहे होते हैं 10 महीने, अगर 2 महीने में के लिए आप उसके रेट 75% ऑफ कर रहे हैं, तो ये अमूमन जो बिजनेसमैन करते हैं उसके कुछ रीजन होते हैं। नंबर वन, वो जो माल होता है वो आउटडेटेड होने लगता है, फैशन उसका चेंज हो जाता है। नंबर टू, क्यों, अब वो नियर टू एक्सपायरी होता है, वो सामान खाने पीने का अगर है तो वो एक्सपायरी की तरफ जा रहा है और अब उसको निकालना बहुत ज़रूरी हो गया, ठीक है ना। तो ये कुछ सिचुएशन होती है कि जब नहीं बिकेगा तो आपको उसके रेट मजबूरन कम करने होते हैं। तो ये मार्केट के नॉर्म्स यही होते हैं, जब कोई चीज़ नहीं बिकती है तो आप जो उस पर प्रॉफिट ऑफ मार्जिन लेना चाहते हैं उसको आप क्या करते हैं, कम करते हैं। जब आप कम करते हैं तो वो चीज़ सेल हो जाती है। इसी तरह तो सर जिस तरह अभी फास्ट फूड पे होता है कि बर्गर या सब पे डील होती है या सेल लगी हुई होती है 70% ऑफ, तो वो क्या खराब होने वाले नहीं, 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 जब भी वो ऐसा करते हैं कस्टमर्स बनाने के लिए? देखें, देयर आर सो मेनी रीजंस, इनमें से मैं एक रीजन तो मैंने आपको ये बताया कि भाई नियर टू एक्सपायरी है या ऐसा ऐसा है, ठीक है ना। अब वो जो डील्स वो लेकर आते हैं ना, वो डील्स वो इसलिए लेकर आते हैं कि अब देखें उनमें आपस में कॉम्पिटिशन होता है, तो उन्होंने क्योंकि कॉम्पीट करना होता है मार्केट में, उनका रीजन ये होता है। देखिए हर बिजनेस का एक अलग अलग रीजन हो सकता है। अब जैसे KFC की डील है मैकडॉनल्ड्स की, वो डील क्यों होती है, क्योंकि वो KFC वाला मैकडॉनल्ड के बंदे खींचेगा, मैकडॉनल्ड वाला KFC के बंदे खींचेगा, वो दोनों मिलकर नैंडोस के बंदे खींचेंगे। तो ये होता है कॉम्पिटिशन के अंदर भी सेल लगाई जाती, ये भी एक वजह होती है। अच्छा ऐसा नहीं कि उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो उसमें वो बहुत ही कम मार्जिन रखकर वो आपसे जो है ना ये ट्रेडिंग करते हैं। और वो नए बंदे भी, उनका टारगेट होता है कि भाई हम सस्ता दें, एक बंदे को एक बार मुंह लगे हमारा जिंगर, ताकि वो अगली बार फिर उसका दिल करेगा तो वो खुद ही महंगा खरीद कर भी हमसे खाने आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो एडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड में हमने पढ़ा, अंडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सो कॉल्ड फ्री इकोनॉमी फॉलोइंग सर्विसेज बेनिफिट्स विल द मेड अवेलेबल टू द मेंबर नेशंस, ठीक है जी। नंबर वन, सोल्यूशन ऑफ ट्रेड प्रॉब्लम्स। अब होता है क्या है कि वो कंट्रीज जहां पर ट्रेड आपस में कम हो रही होती है, वो कंट्रीज जहां पर आपस में ट्रेड कम हो रही होती है, वहां पर ये लोग ऐसा करते हैं, क्या करते हैं कि वहां पर उनको वो पूरा एक पैकेज बनाकर देते हैं कि भाई आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो नहीं रहा होता। तो जैसे ही वो फ्री ट्रेड करते हैं कि यानी कि उस कंट्री में ना इंपोर्ट पर टैक्स है ना एक्सपोर्ट पर टैक्स है, एकदम से वहां पर जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा आने लगते हैं, क्योंकि वो ट्रेड फ्री होता है, टैक्स फ्री होता है, तो टैक्स फ्री होगा तो बहुत ज्यादा कॉस्ट हमारी बच जाएगी। तो उस कॉस्ट को बचाने के चक्कर में लोग वहां पर आकर अपना बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। इसकी एक और मिसाल है इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया के सबसे ज्यादा कॉल सेंटर्स इंडिया में, ठीक है जी। अब जो गैस कंपनीज हैं अमेरिका में, कनाडा में, रशिया में, उनके जो वो होते हैं ना कॉल सेंटर्स, वो कहाँ हैं जी, वो इंडिया में। आप मिलाएंगे 111 पे डायल करेंगे, वो कहाँ जाके मिलेगी, वो इंडिया में जाके मिलेगी। वहाँ पर बंदा, हाँ भाई आपकी गैस नहीं आ रही, ठीक है जी थोड़ी देर में बंदा आके हम भेजते हैं, अभी सही करेगा वो आके। तो गैस खराब हो रही किसी और मुल्क में, सही हो रही किसी और मुल्क से, क्यों, क्योंकि जितने में 10 कॉल सेंटर एजेंट्स मिलते हैं इंडिया में, उतने में सिर्फ एक कॉल सेंटर एजेंट मिलता है अमरीका में। तो 10 की जगह पर एक बंदा सिर्फ, तो 1:10 का जो रेशो आ रहा है, इसलिए क्या हुआ, वहां पर लोगों ने अपने बहुत सारे बिजनेस शिफ्ट कर दिए। चाइना में जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज दुनिया से शिफ्ट हुई है, उसकी वजह भी यही है कि उन्होंने अपने टैक्सेस कम करे, ठीक है ना। कहीं पर ये टैक्स का लगाना बेहतर होता है किसी मईशत के लिए, कहीं पर ये टैक्स को बढ़ाना जो है वो मईशत के लिए बेहतर होता है। जिस तरह पाकिस्तान में भाई, वो बहुत, अगेन आप लोगों ने चार पहियों वाली गाड़ियां बहुत सारी देखी होंगी, कार जिसे कहते हैं, एक्वा है, मीरा है, ठीक है जी, और मूव है, और पासो है, और बहुत सारी जापानीज गाड़ियां आती हैं। अब जापानीज गाड़ियां एकदम से आकर, और जितनी 50% तक जापानीज गाड़ियां नजर आना शुरू हो गई हमारे रोडों के ऊपर, जब इतनी ज्यादा ये हमें गाड़ियां नजर आना शुरू हो गई, तो हमारे लोगों ने बोला यार ये तो बड़ा मसला है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, 5 रुपए की चीज पर 15 रुपए टैक्स लगा दिया, यानी कि अगर कोई 5 लाख रुपए की गाड़ी अगर वो मार्केट में आ रही है तो वो कितने की आएगी जी, 15 लाख रुपए उस पर टैक्स लगेगा, तो 20 लाख रुपए की गाड़ी हो जाएगी 5 लाख वाली। अब क्या हुआ कि भाई वो 5 लाख वाली गाड़ी जब 20 लाख रुपए की पड़ने लगी, तो अब लोगों ने यहाँ पर खरीदना क्या कर दिया, बंद कर दिया लोगों ने कि यार अब तो ये बहुत महंगी पड़ने लगी है, इतनी महंगी तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते,
इसलिए लोगों ने ये खरीदना बंद कर दिया, ठीक है ना। तो कहीं पर ये टैक्स अब हमारी लोकल, इससे फायदा क्या हुआ, हमारी जो लोकल गाड़ियां हैं, जो हमारी लोकल कंपनीज बना रही हैं, सुजुकी है, टोयोटा है, होंडा है, जो यहीं पर बनती है, यहीं पर बिकती हैं, तो उसकी सेल में इजाफा होने लगा, जो हम चाह हमारा मुल्क के लिए जो अच्छा है कि वो यहीं से गाड़ियां बिके, तो वो हमारे मुल्क के लिए बहरहाल बेहतर है। अंडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सो कॉल्ड फ्री इकोनॉमी फॉलोइंग सर्विसेज बेनिफिट्स विल बी मेड अवेलेबल टू द मेंबर्स। नंबर वन, सॉल्यूशन टू ट्रेड प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बिटवीन ट्रेडिंग नेशंस अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहला फायदा क्या है कि भाई सबसे बड़ा जो मसला होता है ना वो टैक्स पर ही आता है कि भाई आप लेंगे कितना टैक्स, हम इतना टैक्स देंगे, वो बोलता नहीं हम इतना टैक्स देंगे। अगर टैक्स का चक्कर ही खत्म हो जाए तो आपस में जो ट्रेडिंग उनके रिलेशन होते हैं वो खुद ब खुद बहुत अच्छे हो जाते हैं। नंबर टू, ब्रिंग डाउन प्राइस लेवल्स, ठीक है जी, ब्रिंग डाउन प्राइस लेवल्स। अच्छा एक काम करते हैं ना, मैं आप लोगों की फिजिकल क्लास रख ही लेता हूँ, तो एक काम करते हैं अगले हफ्ते हम ना मुलाकात करते हैं, तो अगले हफ्ते, लेकिन आप मुझे कॉल करके मुझे याद दिलाएंगे, कम से कम 12 बजे आप मुझे कॉल करके सैटरडे को याद दिलाएंगे कि सर आपने फिजिकल क्लास में बुलाया, जितने भी बच्चे सुन ले। तो सर 25 से तो वैसे ही स्टार्ट है। मैं कहा फिर, हाँ सर हमारी इंग्लिश की क्लास हो जाती है फौरन, हम घर कब आएंगे? तो वही ऑनलाइन ले लीजिएगा, या मैं सर फौरन को भी बुला लेता हूँ ना, वो भी ले लेंगे आपकी फिजिकल। और बोले ठीक है सर। अच्छा कोई जो जिसको एतराज है स्पेशली फिजिकल क्लास में तो वो पहले ही बता दे मुझे, किसी को भी अगर आप में से एतराज है, एमन, अरीबा, अरीशा, नहीं सर किसी को लायबा, मलाइका, नेहा, सना, सानिया, अरसलान, खिजरा, किसी को भी अगर एतराज है तो प्लीज। नो सर बिल्कुल ले लें, सही रहेगा अगर आप क्लास ले लेंगे ना तो। ठीक है, असल में ऐसा ना हो ना कि कोई बच्चा बोले नहीं भाई हम तो चाहते नहीं थे तो बस। अच्छा फिर ये करना होगा कि मुझे बात करनी भी होगी ना, तो मुझे थोड़ा याद दिलाना होगा आपको कि भाई, ताकि मैं बात कर लूं। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? सर आ रही है। जी सर, जी सर। ओके ओके, मैं सर को याद दिला देता हूं। सर आप इंपॉर्टेंट बताना कब स्टार्ट करेंगे? क्या दोबारा बोलिए? इंपॉर्टेंट बताना कब स्टार्ट करेंगे? इंपॉर्टेंट बताना कब स्टार्ट करेंगे? सुन लिया, मैं जवाब दे रहा हूं। सुने इम्पोर्टेंट अभी सुने, देखिए सबसे पहले आप क्या याद करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी तैयारी करें। सबसे पहले ये करेंगे आप कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन याद करेंगे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आप याद करेंगे, ठीक है जी। नंबर वन आप याद करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के सवाल जो आए हैं 5 ईयर में, फिर पार्टनरशिप के सवाल, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी के, ठीक है ना। ये तीन, इन तीन चैप्टर से जो भी 5 ईयर में सवाल आए हैं ये सब याद कर लें। अगर आप ये सब याद करें तो 20 से 30 नंबर की तैयारी आपकी सिर्फ इन सवालों की वजह से हो जाएगी, सही है सर? सर पूरे चैप्टर बस, चैप्टर आप ये उठाएंगे जो आपके एग्जाम्स में इन चैप्टर से सवाल आए हुए हैं, आप वो याद करेंगे। समझ में आ गई? जी सर। ओके ओके सर, बाकी भी बताऊंगा ना, अभी प्रिपरेशन पेपर तकरीबन बन गया है, वो सेंड करूंगा किसी दिन आपको, कल थोड़ा वक्त निकालता हूँ बेचने के लिए। नंबर टू, ब्रिंग डाउन प्राइस लेवल्स, टू ब्रिंग डाउन द प्राइस लेवल्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, फूड, क्लॉथिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है जी। अब हमें प्राइस लेवल को क्योंकि हमें ब्रिंग डाउन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फूड यानी कि खाना, क्लॉथिंग यानी कि कपड़ा, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो जो लोकली इन चीज़ों की कीमतें होती हैं वो खुद ब खुद गिरना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं कि इंसान बेसिकली बहुत ही खुद गर्ज होता है, उसको जहाँ किसी को लूटने का मौका मिलता है वो उसको छोड़ता नहीं है, बल्कि पूरा 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 उसका फायदा उठाते हुए उसको मतलब अच्छी तरह से निचोड़ के रख देता है, ठीक है जी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में चीज़ों की प्राइसेस ज़्यादा ना बढ़े तो हमें क्या करना होता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में चीज़ों की प्राइसेस ज़्यादा ना बढ़े तो हमें उसकी सप्लाई को स्टेबल रखना होता है, और सप्लाई स्टेबल कब रहेगी,
जब अगर लोकल इंडस्ट्री में वो सामान कम हो गया है तो हम बाहर की जगहों से उसको मंगा लें। अगर लोकल इंडस्ट्री में सामान कम होगा और अगर हम बाहर से उसको मंगा लेंगे तो हमारे यहाँ एक उसकी स्टेबिलिटी के साथ सप्लाई बरकरार रहेगी। जब स्टेबिलिटी के साथ सप्लाई बरकरार रहेगी तो हमारा मुल्क जो है वो मजीद तरक्की करता रहेगा। ठीक है जी, तो ब्रिंग डाउन प्राइस लेवल्स, हम चाहते हैं कि कीमतें कम रहें तो ये उसके लिए भी इम्पोर्ट करना पड़ता है। इसकी बहुत सारी मिसालें रिसेंटली हमें, गंदुम हमने बाहर से इम्पोर्ट करी तो आटे की कीमत नीचे आई, चीनी बाहर से इम्पोर्ट करी तो चीनी की कीमत नीचे आई, टमाटर बाहर से इम्पोर्ट किया तो टमाटर की कीमत नीचे आई, तो इस तरह से बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी गाड़ियों की कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक है ना, तो यही तो मसला है। हम गवर्नमेंट ने इनका साथ दिया, बाहर की गाड़ियों पर रेट बढ़ा दिए, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसका फायदा उठाते हुए भरपूर अपनी अपनी गाड़ियों की कीमतें, जो टीन के डब्बे ये दे रहे हैं, टीन का डब्बा 20-20 लाख रुपए का इन्होंने देना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पर जॉब बहुत अच्छी है, अगर आप लोग जैसे आप ऐसे जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँ, बैंक वैंक्स तो बेकार हो गए अब जॉब करने के लिए, तो मैं अच्छे इदारे जो हैं, आप जॉब करना चाहते हैं तो आपने जाना है या तो इंजीनियरिंग साइड पर, मतलब इंजीनियरिंग में फाइनेंस भी तो होता है ना, लाइक पेट्रोलियम इंडस्ट्री, वंडरफुल इंडस्ट्री पेट्रोलियम, नंबर वन। नंबर टू, ये अल्लाह भला करे, अभी जो मैं बता रहा था ना आपको गाड़ियों की, ऑटोमोबाइल टोयोटा में लग जाए, होंडा में लग जाए, ओ भैया 3-3, 4-4, 6-6 लाख रुपए सैलरी, और 20 दिन जाना होता है महीने में, 10 दिन छुट्टी भी होती है, कितने मजे। और उसके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। नहीं, ऐसा नहीं, MTO प्रोग्राम के जरिए हायरिंग होती है, अभी रिसेंटली PSO में आई हुई है, तो MTO प्रोग्राम में फ्रेश चाहिए होता है, फ्रेश, उसने MBA किया वो, सही ना, मास्टर्स किया वो, फ्रेश चाहिए होता है। तो देखें, अब आप लोगों की खुशकिस्मती और हमारे बैच के लोगों की बदकिस्मती थी एक तरह से, कि जब मैंने मास्टर्स वगैरह किया था तो उस वक्त जो है ना वो एक्सपीरियंस मांगते थे ज्यादा और फ्रेश मांगते थे कम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तजर्बा हो गया 9-10 साल का, आज मांगते हैं फ्रेश ज्यादा और एक्सपीरियंस कम मांगते हैं। तो ये आपके लिए तो फिर आप बताए ना कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं आपके पास। अल्हम्दुलिल्लाह, जाहिर है मेरी एज हो गई है, अच्छी खासी, मैं पूरे 20 ज्यादातर जगहों पे देखा जाए तो एक्सपीरियंस आते हैं वो लोग, एज कम एक्सपीरियंस ज्यादा भी है तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, जाहिर है आपका इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, उसमें जब आपसे सवाल तो जवाब करेंगे, तो अगर आप सही और बेहतर जवाब देंगे तो उससे उनको सीरियसली अंदाजा हो जाएगा कि बंदा कितना काबिल है। ठीक है, ओके। अबंडेंट सप्लाई ऑफ फॉरेन गुड्स, जब हम सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं फॉरेन गुड्स की, जब ये फ्री ट्रेड काम आता है, रिमूवल ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, बाय रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड एम्बार्गोस इट इज एक्सपेक्टेड दैट द नेशनल इनकम्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज वुड ग्रेटली इंक्रीज बाय इंक्रीज्ड इनकम earned by taxes on increased trade, which will result into more government revenues. ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, इसमें बता रहा है कि भाई जब हम remove करेंगे trade restrictions, तो it embargoes, it is expected that national income of the member countries would greatly increase by increased income earned by taxes on increased trade. यानी कि क्या होगा, जब हम ट्रेड रेस्ट्रिक्शन खत्म करेंगे तो ट्रेड बढ़ेगी, जब ट्रेड बढ़ेगी तो उससे जो हमें फायदा होगा वो टैक्सेस से ज्यादा हमें उससे फायदा हो जाएगा, तो बेहतर यही है कि हम उन पर टैक्सेस कम करें, क्योंकि इसी में हमारा फायदा ज्यादा है। एंड ऑफ बिजनेस राइवलरीज, द बिजनेस राइवलरीज बिटवीन द फ्री ट्रेडिंग नेशंस विल कम टू एन एंड, हेंस म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हॉस्टिलिटीज विल ऑल्सो स्टॉप एंड पीसफुल सर्कमस्टांसिस विल प्रिवेल थ्रू आउट द 160 member countries working according to the advice of World Trade Organization. दुनिया के अंदर export और import के अंदर जो countries हैं उनकी तादाद तकरीबन 160 मुल्क हैं। अब इन 160 मुल्कों में हमारा नंबर पता है कौन सा है? सातवां नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक बड़ा country है। सातवें नंबर पर हमारी मईशत है आवाम के हिसाब से। We stand number 7 in 160 countries. ठीक है जी? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बच्ची का कमेंट आया, मैसेज आया कि भाई आवाज नहीं आ रही है, तो उसकी यस सर अब आ रही है, पहले कट रही थी। मैं नेट चेंज कर रहा हूं, मैं नेट चेंज कर रहा हूं, अभी आ जाएगी सही आवाज, मैं अभी नेट चेंज करता हूं। तो सर तो चली गई कहीं?
मैं यही हूँ, आई एम चेंजिंग माई नेट, आवाज आ रही ना? हाँ भाई, अब आवाज आ रही है, क्लियर आ रही होगी अब ना आवाज बिल्कुल? यस सर, अब आ रही है। वो असल में मैंने नेट की डिवाइस ना चेंज की है, मैंने नेट की डिवाइस चेंज की ताकि आवाज आप लोगों को मजीद क्लियर है। आवाज नहीं आ रही। इंडिया, इंडिया क्या इंडिया, एक्सक्यूज मी, व्हाट दिस, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करें। ओके, सो एंड ऑफ बिजनेस राइवलरी, सुन लिया आपने भाई? जब जब उसका चक्कर ही नहीं होगा ना, अल्लाह भला करे, टैक्सेस का, तो आपस में ताल्लुकात अच्छे होंगे, क्योंकि सबको पता होगा कि भाई कोई टैक्सेस का चक्कर तो है नहीं। ठीक है, तो जब टैक्सेस का चक्कर नहीं होगा तो आपस में लोग भी कोई दुश्मनी नहीं होगी, क्योंकि दुश्मनी ही आपस में टैक्सेस की वजह से होती है। ठीक है जी, टैक्सेस नहीं होंगे तो भाई अब फिर कोई फड्डा ही नहीं होगा ना कि भाई किस चीज पे फड्डा करेंगे। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये देखिएगा, ये तो सर फड्डा ही क्यों होगा टैक्सेस पे भाई? वो बोलेंगे हमें ज्यादा चाहिए, वो कम चाहिए। भाई पैसा, भाई फसाद की जड़ है ना एक पैसा। एक बंदा बोला मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, एक बंदा बोला मुझे कम चाहिए। अब अगर आप देखें कश्मीर का फड्डा क्या है, कश्मीर एक पूरी सोने की चिड़िया है, तो इसलिए तो हम फड्डा करते हैं कश्मीर पे, हमें चाहिए कश्मीर, वो बोलता है हमें चाहिए। इसमें हमने बंदे मरवा दिए अपने, उनके भी बंदे मार दिए, उन्होंने भी हमारे मार दिए, तो ये सारा झगड़ा होता है किस चीज का, ये पैसों का झगड़ा होता है। अच्छा देखिए, चैट में मैंने ये भेजा, ये होता क्या है, ये आंखें क्या है, कीड़ा तो नहीं कोई? लोग ये बना के भेजते हैं यार, ये खिजरा ने भेजा था ना अभी। क्या है ये, लाफिंग इमोजी? पता नहीं यार, लैपटॉप में तो एक कीड़ा बना हुआ आ रहा है कोई। तो मतलब कीड़े क्यों भेज रही है खजरा, मैं समझ में नहीं आया मुझे ना, दिखता ही नहीं है कुछ। अच्छा कुछ दिखता ही नहीं है, वाह वाह बेचारी। प्रोमल्गेशन ऑफ free trade policies, promulgating definite free trading policies, all member countries will have industrial and commercial peace. By free trade hoga, jo cheez jahan se sasti milegi wo cheez hum wahan se khareedenge. Is tarah hamare mulk mein jo hai na taxes ke masail khud ba khud kya ho jayenge ji, solve ho jayenge. Theek hai, I hope ke baat aapke samajh mein aa gayi hogi. To isi ke saath आगे बढ़ते हैं। अब डिसएडवांटेजेस बताता हूं उसके ना, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड। डिसएडवांटेजेस क्या है? नंबर वन, क्लोजर ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि अगर आप बाहर की कंपनीज को आप अपने मुल्क में चांस देते हैं, तो बाहर की कंपनीज के पास क्या होता है कि बाहर की कंपनीज के पास रिसोर्सेज ज्यादा होता है। बाहर की कंपनी है, रिसोर्सेज उनके पास ज्यादा होते हैं, तो जब रिसोर्सेज उनके पास ज्यादा होते हैं, तो उन रिसोर्सेज के ज्यादा होने की वजह से वो हमारी लोकल इंडस्ट्री गैर मुल्की कंपनी से मुकाबला नहीं कर पाते। जब हमारी लोकल इंडस्ट्रीज गैर मुल्की यानी कि कंपनी से मुकाबला नहीं कर पाती, तो हमारी कंपनी हार जाती है, हमारी कंपनीज बंद हो जाती हैं। जब हमारी लोकल कंपनीज बंद हो जाती हैं, तो फिर हमें मुकम्मल तौर पर उन बाहर की कंपनीज पर बेस करना होता है। जब बाहर की कंपनीज को ये पता चलता है कि अब इस मुल्क में तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, इन्हें तो हर हाल में सिर्फ हमारा ही सामान खरीदना होगा, और हमारा ही सामान खरीद कर ये सामान इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर इसका वो फायदा उठाते हैं। तो किस तरह से फायदा उठाते हैं, वो महंगा कर देते हैं सामान, और हमें फिर मजबूरन महंगा सामान खरीदना पड़ता है। तो जब हम महंगा सामान खरीदते हैं, ठीक है जी, जब हम महंगा सामान खरीदते हैं, तो ये भी हमारे लिए
कुछ अच्छा तो नहीं होता ना, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, जब हम हर चीज बाहर से मंगाने लगेंगे तो हमारे मजदूर कहाँ जाकर जॉब करेंगे, ये सारे के सारे मजदूर हमारे क्या हो जाएंगे बाहर, बाहर तो वो बुला ही नहीं रहे ना, बाहर नहीं बुलाए, बेरोजगार हो जाएंगे। जब वो बेरोजगार हो जाएंगे तो वो डकैतियां करेंगे, चोरी करेंगे, वो आपको जीने नहीं देंगे, वो मार देंगे आपको दो चार रुपए के चक्कर में। यही वजह है कि एक टारगेट किलर पकड़ा गया कस्बा कॉलोनी से, तो उस टारगेट किलर से पूछा गया आप कितने पैसे लेकर बंदे मार रहे थे, तो आप यकीन करें उसकी बात सुनकर मैंने रोंगटे खड़े हो गए कि वो सिर्फ 2,000 रुपए के लिए बंदा मार रहा था। यानी कि अगर आपको बंदा मरवाना है उसको 2,000 रुपए तो वो बंदा मार देगा, ठीक है जी। तो 5,000 और 2,000 सर, आजकल तो आजकल क्वालिफाइड लड़के भी यही चोरियां कर रहे होते हैं, जाहिर है क्योंकि उन्हें जॉब नहीं, पढ़े लिखे लोग, जाहिर है कि जब जॉब नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ तो करना है ना। घर वाले पैसे मांगते, कहां से घर वालों को पैसे देंगे जब पैसा आपके पास नहीं होंगे, तो मजबूरन ये सारे काम करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इंसान को तालीम भी बहुत अच्छे से हासिल करनी चाहिए, और ये सब चीजें जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। तो जब समझने का सीखने का वक्त होता है, जब बच्चे दीगर चीज़ों में वो अपना वक्त ज़ाया करते थे, तो उनको बड़े होने के बाद इस बात का अंदाज़ा होता है कि यार ये हमने क्या कर दिया, ठीक है जी। तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर वेर इंडस्ट्रीज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वुड क्लोज लार्ज स्केल रिट्रेंचमेंट ऑफ लेबर विल अकर द अनएम्प्लॉयमेंट विल रीच इट्स क्लाइमैक्स, कि जब हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाएंगी हमारी लोकल, तो हमारे लोग जो है वो मजदूर बेरोजगार होना शुरू हो जाएंगे और एक बेरोजगारी का क्लाइमेक्स आ जाएगा हमारे मुल्क में, जो हमारे मुल्क को ले डूबेगा। क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसा मसला है कि फौज भी इसका मुकाबला एटमी कुव्वत के होने के बावजूद भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन रेट ऑफ क्राइम्स, बेरोजगारी रेट ऑफ क्राइम्स में बहुत तेजी से इजाफा करती है। अगर भाई देखना वो बंदा जब मोबाइल छीन रहा है और इस तरह से गुजारा कर रहा है, अगर उसकी जॉब लग जाए, उसको बोले भाई अब तो 2,50,000 रुपए महीना लो, गाड़ी भी लो, घर भी लो, नौकर चाकर भी लो, एसी वाले कमरे में बैठकर काम करो, तो क्या कोई भी बंदा अपनी जान अपनी हथेली पर रखकर और मोबाइल छीनता फिरेगा 4,000 रुपए वाले? कभी नहीं सर, कभी भी नहीं ना। तो फिर यही वजह ना कि हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में जो है ना क्राइम रेट कम हो, तो हमें अपने मुल्क में रोजगार को बढ़ाना होगा। जब रोजगार बढ़ेगा ना, देखो भाई अगर वो चोरी डकैती करके 1,00,000 रुपए कमा रहा है, तो वो हलाल के 50,000 या 25,000 को भी उसे बेहतर तरजीह देगा और वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। तो भाई 99% ये जो चोरी डकैती वाले होते हैं वो कौन लोग होते हैं, 99% ये लोग यही होते हैं, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि ये लोग बहुत डरे हुए होते हैं तो ये बंदे को मार देते हैं फर्म, क्योंकि उनको ये पता होता है कि अगर हमने इसको नहीं मारा तो ये हमें मारेगा, इससे बेहतर इसी को मार दो। तो यही वजह है कि अगर कोई अल्लाह ना करे अगर कोई आपके पास आ जाए जो इस तरह से हो जाए, उसको भैया दे दो जो वो मांग रहा है, उससे हड्डा मतलब, ठीक है जी। ओके अब्दुल्ला समी, आपकी ये छत नजर आ रही, बंद कर दिया उन्होंने, आगे चलते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर के बाद ये इंक्रीज टेररिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स इकोनॉमिक डिजास्टर एंड डिससैटिस्फाइड यूथ बिकम लॉ ब्रेकर्स एंड बिकम क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट। अब ये तो टेररिज्म होता है, ये भी किस तरह से होता है, मैं एक बंदे की मैंने एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ी, एक लड़का था जिसने सुसाइड अटैक किया, खुदकश जैकेट बांधकर एक जगह जाकर वो फट गया था। एक बड़ी मशहूर शख्सियत थी, उसको अभी नाम भी मुझे याद है, लेकिन फिलहाल बताना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि उस बंदे का बता रहा हूँ बगैर किसी नाम लिए। तो एक बंदा था, उसने सुसाइड अटैक किया, जब सुसाइड अटैक उसने कर दिया, उसको पहचान में आ गया वो बंदा कौन था, उसके खानदान वाले भी पहचान में आ गए, उनको भी पकड़ लिया गया। तो जब वो पता चला कि भाई वो 5,00,000 रुपये उसकी फैमिली को दिए गए, उसकी फैमिली के हालात सही नहीं थे, उसको 5,00,000 रुपए दिए गए और उसको जैकेट दिए गए कि भाई यहाँ जाके फट जाओ, तुम्हारी फैमिली को हम 5,00,000 दे रहे हैं। तो उसने ऐसे ही किया, वो जाके फट गया क्योंकि उसके हालात इतने ख़राब थे, उसने बोला कि अगर मेरे मरने से मेरी फैमिली के हालात अच्छे हो रहे तो मैं वैसा ही करता हूँ। वो जाके फट गया, एक बंदा बड़ा कीमती हमारा पाकिस्तान का चला गया और उसको क्या हुआ जी, उसकी फैमिली को 5,00,000 रुपए दे दिए गए, सही है। तो व्हाट इज दिस, ये टेररिज्म। अगर उसके पास पहले से 5,00,000 रुपए होते, वो कभी भी इस गलत काम को नहीं करता ना। देखें जब इंसान के पास पैसे नहीं होते, जब उसका गुजारा नहीं हो रहा होता, तो वो मजबूरन इस तरह के काम अंजाम देता है। लास्ट हेडिंग है जी इंक्रीज इन करप्शन। अब क्या होता है, वो एक शादीशुदा आदमी है,
उसकी बेगम बोल रही है मुझे ये नए कपड़े चाहिए, मुझे फर्नीचर चेंज करा के दो, मुझे जूते चाहिए, सैंडल चाहिए, मुझे गच्ची गाड़ी में सफर करना है, बेचारा परेशान है, वो क्या करेगा, उसकी सैलरी पूरा नहीं हो रहा, तो फिर वो करप्शन की तरफ जाएगा। करप्शन वो करता है जो करप्शन कर सकता है, जो करप्शन नहीं कर सकता वो चोरी डकैती करता है, जो करप्शन कर सकता है करप्शन की ही करता है। ठीक है ना, बात समझ में बात पहुंच रही है? तो ऐसे भी लोग नहीं करता वो बातें, नहीं वो बातें कोई भी नहीं सुनता, कुछ ना कुछ वो अपने हाथ पांव मारता है। ठीक है जी, या तो जिंदगी भर चुपचाप ढीठ और बगैरत बन के बातें सुनते रहो, सही है ना, तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ एक जरूर होता है। आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल हम शुरू करेंगे, यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीट्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स एंड टोटल पेमेंट्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स। टोटल रिसीट्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स एंड टोटल पेमेंट्स अगेंस्ट इम्पोर्ट्स। तो द डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट्स इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखें जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बैलेंस क्या होता है, इसका मैं एक फॉर्मूला लिख दूं ताकि आपको क्लियर होना, थोड़ा मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ। बैलेंस पेमेंट किसके बराबर है जी? रिसीट्स माइनस पेमेंट्स के बराबर है। बैलेंस पेमेंट इक्वल्स टू रिसीट्स माइनस पेमेंट्स। टोटल रिसीट्स में से अगर टोटल पेमेंट्स को माइनस कर दिया जाए तो बैलेंस पेमेंट आ जाएगा। ये रिसीट्स कैसे आती हैं? रिसीट्स आती हैं जी जब हम कोई भी चीज़ किसी गैर मुल्क से खरीदते हैं। ठीक है जी, सबा शहर आप रहती कहें पहले आप मुझे ये बताइएगा, लोहे वाला। अच्छा तो भाई रिसीट्स कैसे आती हैं? जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में पैसा आता है हमारे पास। ठीक है, पेमेंट्स कहाँ से आती हैं? पेमेंट्स आती हैं, पेमेंट्स जो हम देते हैं, पेमेंट्स क्यों देते हैं? जब हम कोई चीज़ बाहर मुल्क से खरीदते हैं तो हम बाहर मुल्क को जो पेमेंट करते हैं वो पेमेंट्स में आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको रखा जाता है। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस दो तरह से हो सकता है, फेवरेबल हो सकता है और एक अनफेवरेबल हो सकता है। अगर रिसीट्स ज़्यादा होती हैं तो ये फेवरेबल होता है, अगर पेमेंट्स ज्यादा होती हैं तो ये अनफेवरेबल होता है। अमूमन पाकिस्तान में ये क्या होता है और कैसे? क्यों? वही बता रहा हूं ना, सुन तो लो। अगर भाई देखें, मैं सेल्समैन हूं, अगर मैंने खरीदारी ज्यादा की और बेचा कम तो मैं तो उधार में आ जाऊंगा। तो उधार मतलब अनफेवरेबल, समझ में आ रही है? मतलब पैसा मेरे पास आया कम और चला गया ज्यादा। जब आया कम और चला गया ज्यादा तो मैं तो उधार में चला गया, मेरे पास मेरी जेब तो खाली, उल्टा मुझको कर्जा चढ़ गया। लेकिन अगर कंडीशन नंबर टू, मेरे पास पैसा ज्यादा आया, 100 रुपए मेरे पास आए जिसमें से मैंने सिर्फ 50 दे दिए, तो 50 तो अभी भी मेरी जेब में है तो मैं तो अच्छा रहूंगा, तो दिस इज फेवरेबल। लेकिन 100 रुपए आए तो मुझे 150 देने थे, 100 मैंने जो आए थे वो 100 के 100 दे दिए और 50 रुपए मुझ पर कर्जा भी चढ़ गया। ठीक है जी, तो ये अनफेवरेबल। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी यही कह रही है कि अगर पेमेंट ज्यादा करनी है तो ये अनफेवरेबल है, लेकिन अगर रिसीट्स ज्यादा है तो ये फेवरेबल है। अब समझ में आ गई बात? सर बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड अलग-अलग है? जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड अलग होता है, इसका भी डिफरेंस अभी आपके सामने आ जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट होता है जिसको इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट कहते हैं, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, एक खास पीरियड में ये होता है। इट इंक्लूड्स ऑल फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें गुड्स एंड सर्विसेज शामिल होते हैं बोथ, इसमें विजिबल आइटम्स भी शामिल होते हैं और इनविजिबल आइटम्स भी शामिल होते हैं। इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, तो आज फिर यहीं तक रोकते हैं। अच्छा, कोई सवाल है आप लोगों को तो प्लीज पूछे। नहीं, क्लियर नहीं हुआ मुझे क्या कह रही है। सैटरडे को
जो क्लास होगी वो यही टाइमिंग पे होगी? हाँ, जो नॉर्मल टाइम 2 बजे होती है 2 बजे होगी। कोचिंग है ना फिर? कोचिंग? अच्छा मैं अभी बात करूंगा ना, मेरा मोबाइल कहाँ है, यहाँ पे था मेरा मोबाइल, एक मिनट चल मैं देखता हूँ, मैं अभी बात करता हूँ ना सर। अभी कर लें आप, हो जाएंगे। आप तो नहीं भूलेंगे ना, आप भी बात करेगा सर, उस्मान से बात कीजिएगा कि सर ने बोला कि हम फिजिकल क्लास लेंगे तो आप बताएं होगी या नहीं होगी, वो आपसे भी मुझसे भी और रब्ता कर लेंगे ना उसी से, सही ना? चले मैं काट रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। चलें ठीक है, काट रहा हूँ।